मानव हमेशा से ही अपने काम को सरल बनाने के लिए सिंपल मैकेनिकल चीजों जैसे पहिए से लेकर इलेक्ट्रिकल पंखा और आज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी तक डेवलप करता रहा है। आज रोबोट्स भी हमें कई जटिल कार्यों में सहायता कर रहे हैं। मेडिकल सर्जरी में प्रिसिशन के काम करने से लेकर मार्स में अध्ययन तक सब इन्हीं की बदौलत हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इतिहास और विकास के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की एक शाखा रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। जानेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई और साथ ही बात करेंगे इसके भविष्य की। भारत में मेक इन इंडिया के तहत आज आधुनिक रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण 2014 में एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3D प्रिंटिंग की सहायता से बनाया गया पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मानव है। ये चलने और नृत्य करने जैसी डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकता है और इसे बनाने में केवल 2 महीने लगे थे। लेकिन क्या आपको इस खास इंजीनियरिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज है? आइए इसे करीब से जानते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से समझदार मशीन बनाई जाती है। रोबोट शब्द स्लावोनिक शब्द रोबाटा से लिया गया है जिसका मीनिंग फोर्स्ड लेबर होता है। लोगों द्वारा किए जाने वाले जोखिम भरे काम, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनें आज सब रोबोटिक्स की सहायता से आसान हो गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के दौरान वायरस फैलने से रोकने और मौजूदा मामलों को संभालने में रोबोट्स ने लोगों की काफी सहायता की। 800 वर्ष पहले अल जजारी ने कुछ ऐसी मशीनें बनाई जो पानी से चलती थी। इन्हें रोबोटिक्स के जनक भी कहा जाता है। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप बैठ, हाथ हिला, मुंह खोल और बंद कर सकने वाला ह्यूमनॉइड नाइट बनाया। इसी तरह 1474 में पियर जाके ड्रॉज ने ऑटोमेटा डॉल्स बनाई जो लिख सकती थी, चित्र बना सकती थी और संगीत भी बजा सकती थी। ये म्यूजियम ऑफ आर्ट्स एंड हिस्ट्री स्विट्जरलैंड में आज भी मौजूद है। पहले रोबोट्स मैकेनिकल थे जिन्हें बनाने में लोहे, गियर्स, मोटर्स और तारों का इस्तेमाल होता था। लेकिन समय के साथ इनमें सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा। इसी की मदद से साल 2000 में होंडा कंपनी द्वारा पहला आधुनिक रोबोट असीमो तैयार हुआ था। आज दुनिया की मल्टी बिलियन कंपनीज जैसे बोस्टन डायनामिक्स, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, आई रोबोट और क्रूज ऑटोमेशन भविष्य के रिवोल्यूशनरी रोबोटिक प्रोडक्ट्स बना रही है। विश्व में कहीं भी रोबोट्स का इस्तेमाल जापान से ज्यादा नहीं होता और इसके लिए वहाँ की कावासाकी और यामाहा जैसी कंपनियां जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आम जापानी के जीवन को इन रोबोट्स की मदद से बिल्कुल सरल बना दिया है। इस बड़े बदलाव से ये देश बाकी देशों से कहीं आगे निकल गया है। मेडिकल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और नर्स के रूप में यहाँ रोबोट से काम लेना काफी आम बात है। रोबोटिक्स में नई उपलब्धियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोट से जोड़ दिया गया। सोफिया रोबोट इसका एक उदाहरण है जिसे 2015 में हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस को इसने काफी बारीकी से समझने की कोशिश की है और इससे मिलकर आप एक्साइटमेंट और डर दोनों ही फील करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में भी माइक्रोबोट्स और नैनोबोट्स जल्द ही लोगों के शरीर में जाकर कई बीमारियों का पता लगाने के साथ इनका इलाज भी कर पाएंगे। यहाँ तक कि साइबोर्ग तकनीक के जरिए मानव को भी एक चलता फिरता रोबोट बनाया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग अभी अंधेपन और शारीरिक अपंगता को दूर करने के लिए किया जाता है। भारत का रोबोटिक सेक्टर अभी उभरता हुआ सेक्टर है। यहाँ के रोबोट जैसे कैंपा, एयरपोर्ट गाइडेंस, केपी बोट केरला में पुलिस के काम, सैंडी फेशियल रिकॉग्निशन और दक्ष डिफेंस के क्षेत्र में सहायता कर रहा है। इसी के साथ एजुकेशन, न्यायपालिका और म्यूजियम्स में रोबोटिक्स के जरिए सूचनाओं के आदान प्रदान को सरल बनाया जा रहा है। रोबोटिक्स के विकास के साथ लोगों का जीवन सरल बनेगा और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। क्या आप इनसे डरे हुए हैं या आशावादी हैं? आप भी हमें रोबोट्स को लेकर अपनी राय बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।